हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी ठीक होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल के ऊपर जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी इस पर एम्सक्यूज़ किए हैं जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है पढ़ा नहीं है गो एंड चेक आउट द वीडियो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन तो आज हमने ये भी जाना है कि आज हम थोड़ा ई के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे ताकि जो आप लोगों का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी तो अब हम बात करेंगे ई के बारे में वट इज ई मेल क्या है दूसरी की अगर हम बात करेंगे वट ई मेल स्टैंड्स फॉर वट ई मेल डज ये भी हमें इसमें पढ़ना है कि ईमेल का मतलब क्या है ई का मतलब क्या होता है और मेल का मतलब क्या होता है ठीक है वट ई मेल डज ई मेल का काम क्या होता है इसके अलावा हमें एडवांटेज के बारे में पढ़ना है डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ना है तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो रिटर्न मैटर यहाँ पे लिखा है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे जानेंगे कि क्या लिखा है तो लिखा है कि एज वी टॉक अबाउट द अर्लियर टाइम्स अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे दे आर वाज ए मीडियम टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन तो मैंने कहा कि अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे दे आर वाज ए मीडियम एक जरिया था टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन जिसके जरिए एक जरिया था जिसके जरिए हम क्या करते थे सेंड जो होता है भेजना और रिसीव रिसीव का मतलब होता है कोई किसी चीज को रिसीव करना या किसी चीज को लेना टू रिसीव टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना लेना तो पुराने ज़माने में एक जरिया था जिससे हम क्या करते थे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते थे और बेचते भी थे ठीक है जिसे हम क्या कहते थे पोस्ट ऑफिस फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि मैं कश्मीर में रहता हूँ ठीक है मैं कश्मीर में रहता हूं मेरा कोई फ्रेंड जो बाहर रहता है फॉर एग्जाम्पल लेट से कि वो दिल्ली में रहता है ठीक है तो यहां पे क्या होता था चाहे हमें किसी भी फ्रेंड के साथ बात करनी होती थी चाहे हमारा कोई अपना फैमिली मेंबर क्यों ना हो उसके साथ अगर हमें बात करनी होती थी तो हमें लेटर लिखना पड़ता था उसके बाद क्या करना पड़ता था उसके बाद लेटर बॉक्स में उसको जमा करना पड़ता था और उसके बाद जब पोस्टमैन आता था उसको ले जाता था और ये एक मतलब कहने का मतलब यह है कि ये टाइम प्रोसेस मतलब जो थी ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ ड्यू टू टेक्नोलॉजी मैन हैज़ क्रिएटेड अलाट ऑफ थिंग्स तो टेक्नोलॉजी वजूद में आई तो बहुत सारे जो इन्वेशनस हुई जिसमें अगर हम बात करेंगे इंसान ने बहुत सारे चीज़ों को ईजाद किया डिस्कवर किया तो जिसमें लाइक कंप्यूटर भी था कार्स थी एरोप्लान थे तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो इंसान ने इन्वेंट की या डिस्कवर की तो किस लिए की मतलब जो एक इंसान होता है उसकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना उसकी लाइफ को इजी बनाना ये सब टेक्नोलॉजी का काम था ठीक है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किस चीज की एरोप्लेन की अगर मैं एरोप्लेन की बात करेंगे तो जहां पे हमें घंटे लगते हैं पहुंचने में वहां एरोप्लेन हमें मिनटों में पहुंचाता है ठीक है तो मेरा यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी ने इंसान की लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाया है ठीक है तो ई जो है ई इज वन ऑफ देम ई इनमें से एक है ठीक है तो ईमेल का मतलब मैंने पहले ही समझाया कि ईमेल का मतलब क्या है ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल तो ये याद रखना मैंने कहा कि पिछली बार भी ये एग्जाम में आया था इसको थोड़ा हल्के मत हल्के में मत लेना क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम होता था सिक्सथ सेमेस्टर का उसमें भी ये एग्जाम इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है अब हम बात करेंगे ईमेल का मतलब क्या है वाट ई मेल डज ई मेल इज़ ए मीडियम टू सेंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स वीडियोज़ ऑडियोज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू डिजिटल फार्मेट ई का मतलब क्या है ई मेल इज़ ए मीडियम मैंने पहले ही बताया कि ई मेल एक जरिया है क्या है जरिया है जिसके जरिए हम क्या करते हैं हम सेंड एंड रिसीव यानी भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं ठीक है क्या रिसीव करते हैं क्या भेजते हैं अब हम इस पर बात करेंगे इसके जरिए हम वीडियोस भेजते हैं ऑडियोज़ भेजते हैं अगर हमारे पास कोई या मेल भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं चाहे कोई कोई भी चीज़ अगर जो हमें मेल के थ्रू भेजना हो वो हम किसके जरिए भेजते हैं मेल के जरिए या हम अगर चाहे फॉर एग्जांपल कोई किसी चीज़ को फोटो सेंड करना हो चाहे कोई मतलब किसी पर्सन को हमें फोटो सेंड करना हो कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो हमें किसके थ्रू करेगा वो मेल के थ्रू करेगा लेकिन थ्रू डिजिटल फॉर्मेट ये चीज यहाँ पर याद रखना ठीक है अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में वट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ई मेल ई मेल के एडवांटेजेस क्या है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोस्ट जो यहाँ पे लिखा है इट्स अ फास्टर मीन्स टू सेंड मैसेज तो इसका मतलब क्या है इट इज़ अ फास्टर मीन्स टू सेंड मैसेज इसका मतलब क्या है देखिए मैंने बात की अर्लियर टाइम्स की मैंने पुराने ज़माने की बात की कि हम लेटर भेजते थे जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पहले एक दिन हम लेटर लिखते थे दूसरे दिन हम वहाँ पे मतलब जो हमारी पोस्ट जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता था वहाँ पे जाते थे उसके बाद पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन होता था वो आता था उसको ले जाता था और जिस पाँच दस दिन या पंद्रह दिन के बाद भी वो पहुँचता था जीमेल से क्या हुआ या ईमेल से क्या हुआ ईमेल से ये हुआ कि मतलब बहुत आसान मतलब ये एक मतलब फास्टर मीनस ऑफ मीनस टू सेंड मैसेज मतलब क्या फास्टर मीन्स टू सेंड मैसेज इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हम घर बैठ भी सक घर बैठे बैठे किसी को मेल करनी हो चाय पी रहे हैं वहाँ पे बैठ के भी क्या कर सकते हैं किसी को भी मेल कर सकते हैं चाहे इवन कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम मेल भी कर सकते हैं तो ये एक फास्ट जरिया बनता है पहले ज़माने की बात करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था इसमें बहुत सारा कम टाइम लगता है इवन टू और थ्री सेकेंडस क्या अगर हमारे पास हाईली इंटरनेट कनेक्शन है तो जो ईमेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो और दो या तीन सेकंड्स लेते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट इज़ हार्डली टू और टू आर सेकेंड टू सेंड मैसेज दो या तीन सेकेंड में मैसेज जो होते हैं वो सेंड हो जाती है या अगर हम बात करेंगे लेटर्स की जो हम थ्रू पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजते थे तो उसमें दस पंद्रह दिन भी लगते थे ठीक है इवन कि जब हम पोस्ट ऑफिस पे आकर हमें कोई डॉक्यूमेंट को करियर करना होता है तो हम बाहर भेजते हैं तो वो उसमें आज भी दस या मतलब पाँच दस दिन लगते हैं और उसमें ज़्यादातर हमें पैसे भी कुछ देने पड़ते हैं जबकि हमें क्या खाली इंटरनेट कनेक्शन होना चाहे तो हम मेल कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इट कैन बी सेंट होल डे हम पूरे दिन इसको सेंड कर सकते हैं जैसे कि अगर हम लेटर की बात करेंगे लेटर को हम खाली मतलब आज हमने लिख दिया फिर जाएंगे पोस्ट ऑफिस पे तो वो टाइम प्रोसेस मैंने पहले ही बताया कि वो टाइम प्रोसेस है हम ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन मेल जो लेटर होते हैं वो सेंड कर सकते हैं और हमारे पास हमने ये भी लिखा है यहाँ पर कि इट कैन बी सेंट होल डे तो हम पूरे दिन इसको भेज सकते हैं ठीक है ठीके? फिज़िकल लोकेशन और जियोग्राफिकल लोकेशन ज्योग्राफिकल लोकेशन बैर ड नॉट इफ़ेक्ट मतलब हमें ना फिज़िकल और जियोग्राफिकल जो लोकेशन रहती है हमें ईमेल में इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है हम घर बैठ सक घर में बैठे बैठे ईमेल को सेंड कर सकते हैं ठीक है इट्स ए वेरी सेफ़ एंड कॉन्फिडेंशियल ये मतलब एक सेफ जरिया भी है और कॉन्फिडेंशियल भी है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम तो लेस एक्सपेंसिव की अगर मैं यहाँ बात करूं मैंने पहले कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है खाली हमें अपने पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और जो ये इट तो, इज मतलब हम आ, ये भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारा मैंने पहले कहा कि ये टाइम कंजप्शन प्रोसेस है ठीक है तो ये थी कुछ एडवांटेजेस इसकी अगर इसके अलावा अब हम बात करें किसके ऊपर डिसएडवाटेज के ऊपर तो सबसे पहले एडवांटेज पे हमने बात की अब हम बात करेंगे डिसएडवाटेज के ऊपर जो पहला यहाँ पे है वो है स्लो इंटरनेट फैसिलिटी इन सेंडिंग मैसेज अगर हमारे पास मतलब स्लो इंटरनेट हो तो प्रॉब्लम हो जाती है मैसेज करने में या ईमेल करने में इवन कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे कश्मीर में कश्मीर में ज़्यादातर इंटरनेट बंद ही रहता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसएडवानटेजेज हो सकती है ईमेल की ठीक है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादातर बंद ही रहता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है फिर मेल करने में तो ये एक डिसएडवानटेज़ है ठीक है दूसरा क्या होता है इसमें खतरा किस चीज़ का होता है इसको हैकर जो होता है वो इसको हैक भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वायरस में हार्म योर मेल बक्स अगर हमारे लैपटॉप या फ़ोन में किसी तरह का वायरस हो तो वो हमारे मेल बक्स को के लिए हार्मफुल हो सकता है जो इसके अलावा जो चौथा है यहाँ पर फोर्थ टाइप जो इसका है फोर्थ डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो है साइज लिमिट साइज लिमिट जो होता है ईमेल का या किसी भी डॉक्यूमेंट का जो हमें ईमेल मेल ईमेल के थ्रू सेंड करना हो चाहे हम वीडियो सेंड करेंगे चाहे हम फोटो सेंड करेंगे चाहे हम आ, कोई डॉक्यूमेंट क्यों ना सेंड करें चाहे हम कुछ भी क्यों ना सेंड करें लेकिन उसका जो साइज लिमिट होना चाहे वो टेन एम से लेके कहाँ तक ट्वेंटी फाइव तक होना चाहे तो ये एक डिसएडवांटेजेस है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई हंड्रेड एम का फाइल हो जो कि इंपॉर्टेंट है हमें भेजना ही भेजना है तो उसको हम ई के थ्रू नहीं भेज सकते हैं तो ये चीज़ याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है तो दैट इज ऑल अबाउट टू टॉपिक होप यू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में जो पे लाइकन होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी इसके अलावा अगर आप लोग इसका पार्ट टू चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट डे टिल देन अल्लाह हाफिज़